जैसा कि आप भी जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री के कलाकारों के बीच देखा जाए तो वाकई में नेहा धूपिया एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है, करियर में स्ट्रगल भी किया है, काफ़ी मुश्किलें भी झेली है। अब वही नेहा धूपिया की बात करते हुए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में और भी जानकारी देना चाहेंगे। नेहा धूपिया से जुड़ी ये जानकारी आपको शायद मालूम ना हो, लेकिन नेहा धूपिया अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान कोविड के संक्रमण में आ गई थी। काफ़ी दर्द में रही वो, और तो और अपनी बेटी से भी वो बिछड़ गई। सुनकर जानकर आपको हैरानी होगी, लेकिन इसी वजह से ज़मीन पर नेहा धूपिया सो रही थी। और तो और आपको बताना चाहेंगे हम हमारी इस रिपोर्ट में कि नेहा धूपिया को इतनी तकलीफ हुई अपनी बेटी मेहर से अलग रहने पर, वो चाहकर भी क्या करती, वो काफ़ी तकलीफ़ में रही। नेहा धूपिया ने अपनी तकलीफ़ जाहिर करते हुए रिसेंटली एक एक्सप्रेशन शेयर करते हुए एक बात बताई जो काफ़ी ज़्यादा लोगों को इमोशनल कर देती है। चलिए हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में ये बता देते हैं कि नेहा धूपिया ने इस बारे में एक्सपीरियंस शेयर करते हुए क्या कुछ कहा। जी हाँ, सेकेंड प्रेगनेंसी के दौरान उन्होंने कहा कि एक पोजीशन में सोना था उन्हें ज़मीन पर, मम्मी बेड पर इतनी सारी जगह है, आप वहाँ क्यों नहीं आ रहे हो, ये कहती थी उनकी माँ बेटी। लेकिन स्टिल नेहा को अपनी बेटी से दूर रहना था क्योंकि बीमारी से वो जूझ रही थी। वो नहीं चाहती थी उस बीमारी से उनकी बेटी को भी तकलीफ़ हो। उन्होंने स्टेटमेंट देते हुए कहा, कोविड के लक्षण आए और फिर वो बहुत डर गई थी, आइसोलेट कर लिया था उन्होंने खुद को, और फिर घर पर ही वो स्टाफ और अंगद और मेहर ये सब थे जो इस मुश्किल समय में उनका साथ दे रहे थे। सबके लिए सफ़र काफ़ी मुश्किल था। बता दें, साल 2018 में अंगद बेदी से नेहा धूपिया ने गुपचुप शादी कर ली थी, और शादी के बाद कहा जा रहा था कि नेहा धूपिया ऑलरेडी प्रेग्नेंट थी, इसलिए इनकी शादी हुई। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ने की वजह से वो काफ़ी प्रॉब्लम में रही हैं, क्योंकि 24 ही दिन हुए थे उनकी प्रेगनेंसी को और बेबी के साथ उन्हें आइसोलेशन पर रहना पड़ा था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।